मैक्सिम साथियों, आज हम बनाने वाले हैं वेज बाइट उत्तपम। तो उसके लिए जो हमें यहाँ सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। यहाँ हमने हाफ पैकेट वेज बाइट लिया है, उसे हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। एक कप हमने सूजी ली है, एक कप हमने दही लिया है जो कि वीगन है। आर्थमिक मसालों में हमने नमक, धनिया पाउडर, हेल्थ गार्ड ऑयल और लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हमने लिया है बेकिंग सोडा। वेजिटेबल्स में हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, 1 मीडियम टमाटर वो भी हमने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया हमने लिया है वो भी बारीक काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च लिए उसे भी हमने बारीक काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वेज बाइट उत्तपम बनाने के लिए। हम उसकी स्टफिंग बनाएंगे सबसे पहले। तो हमने एक पैन लिया है, उसमें हम हेल्थ गार्ड ऑयल डालेंगे, 3 टेबल स्पून हम इसमें हेल्थ गार्ड ऑयल डालेंगे और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। अब तेल को गर्म होने देंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो हम इसमें सबसे पहले वेज बाइट डालेंगे जो हमने चॉप किया करके रखा हुआ था। इसे हम थोड़ी सी देर तेल में पकाएंगे। अब हम इसमें जो हमने वेजिटेबल्स ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक हम यहाँ डालेंगे और 1 टीस्पून इसका जब बैटर बनाएंगे तब उसमें डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। हमने इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने जो सूजी ली थी वो हम इसमें डाल देंगे और जो दही लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक और बेकिंग सोडा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेज बाइट उत्तपम बनाने के लिए हम एक तवा लिया है नॉन स्टिक। हम अब इसमें हम हेल्थ गार्ड ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, और हमने जो इसका बैटर बनाया है वो ना ही आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरह से हमें इसका बैटर बनाना है। तो अब हम इसको इस पर डालेंगे। और जो हमने इसकी स्टफिंग बनाई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से दबा देंगे। हमारा वेज बाइट उत्तपम अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। हमारा वेज बाइट उत्तपम बनकर तैयार है। हम इसे नारियल की चटनी, हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।